राखी सावंत का अजीबोगरीब बयान, मैं अब शारीरिक संबंध नहीं बनाती, मेरा शरीर मंदिर है। बात चाहे किसी पर कमेंट करने की हो या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, राखी सावंत ध्यान खींचना जानती हैं। राखी सावंत इन दिनों तनुश्री पर जमकर बरस रही हैं। राखी ने तनुश्री पर मानहानि का केस करने के बाद अब उन पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। राखी ने यह भी खुलासा किया कि आखिर तनुश्री ने अपना सिर क्यों मुंडवाया था। अब राखी सावंत ने खुद को भगवान स्वरूप बताया है। राखी सावंत का ये वीडियो बॉलीवुड हंगामा ने जारी किया है। राखी ने कहा, मैं अब खुद को बदल चुकी हूँ, भगवान में लीन हो चुकी हूँ। राखी ने कहा, तनुश्री ने मेरे प्यार में बाल मुंडवा लिए थे और आश्रम में जाकर बैठ गई थी क्योंकि मीका ने मुझे किस कर लिया था। राखी ने आगे कहा, तनुश्री को बुरा लगा था क्योंकि मीका ने मुझे किस कर लिया था। उसने कहा था, सिर्फ मैं ही तुम्हें किस कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब प्रभु में हूँ। मैं अब शारीरिक संबंध भी नहीं बनाती, मैं अब सीधा शादी ही करूँगी। मेरा शरीर अब मंदिर के समान है, इसलिए मुझे इसे साफ रखना है। मेरे अंदर भगवान वास करते हैं। इतना ही नहीं, राखी सावंत ने ये भी कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लड़की किसी लड़की का रेप कैसे कर सकती है, तो मैं बता दूं, तनुश्री का सबसे बड़ा सच ये है कि वो लेस्बियन है। उन्होंने कहा कि वो अंदर से एक लड़का है। वो मुझे रेव पार्टी में ले जाती थी, वहाँ नशीले पदार्थ लेती थी, बाद में मैं उनसे दूर हो गई। बता दें, तनुश्री फिल्म हॉन ओके प्लीज में लीड किरदार निभा रही थी, लेकिन एक गाने को लेकर नाना पाटेकर और तनुश्री में विवाद हो गया, जिसके बाद तनुश्री ने ये फिल्म छोड़ दी। फिल्म छोड़ने के बाद रिमी सेन ने हॉन ओके प्लीज में लीड किरदार निभाया था। इस फिल्म में एक आइटम नंबर था जिसे बाद में राखी सावंत ने किया था 10 साल बाद। जिस इंटरव्यू में तनुश्री ने नाना और दूसरे लोगों पर आरोप लगाए थे, उसमें उन्होंने राखी सावंत का भी नाम लिया था।